नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं मोहित सैनी कल आपके लिए रीजनिंग की क्लॉक की इंट्रोडक्शन की क्लास लेकर आया था, जिसमें हमने घड़ी का जनरल इंट्रोडक्शन आपको दिया था। घड़ी से संबंधित आपको बताए थे कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कल हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। देखो, जैसे घड़ी, इसमें टॉपिक बताए थे कि इतने प्रकार के टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारी कल क्लास हो चुकी थी। देखो, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि वो कोई भी आपको टाइम देगा कि 10:20 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच बना कोण ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था, जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे उसके लिए फॉर्मूला लिखवाया था। इनका कोण निकालने का वो था 30 × h अंतर 11/2 इंटू मिनट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसी टॉपिक से है, तो इसमें क्या करते हैं, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, क्योंकि हमें समय दिया हुआ है 10:20, ठीक है। तो h की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 10 हो गई, और मिनट की जो वैल्यू हो गई आपके यहाँ पर 20 हो गई। तो मैंने इनका अंतर किया 11/2 इंटू मिनट। देखो, ये आ गया हमारा 300, और ये आ गया, ये 2 से 10 बार कट गया, कितना आ गया 110। यहाँ से जो हमें कोण मिला, ये मिल गया हमारा 190 डिग्री, ठीक है। देखो, ये 190 डिग्री मैंने आपको बताया था, अगर कोण, ये जो आपको कोण मिला है, ये आपका 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो जो आपका आंसर होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, 360 में से घटाकर देना होगा। तो कितना आ गया हमारा आंसर यहाँ पर, 170 डिग्री। ये आपका आंसर होगा कि 10:20 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच 170 डिग्री का कोण बनेगा। 170 डिग्री है ये, ठीक है। देखो, मैंने एक चीज़ कल भी आपसे डिस्कस की थी कि ये पूरा जो पर्टिकुलर कोण होता है ये 360 डिग्री का होता है, लेकिन हमें ये जब कोण यहाँ पर चाहिए, अगर ये कोण 30 डिग्री का है तो बचा हुआ कोण कितने का बताया था, ये बताया था कि भाई 330 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या होगा, हमें 360 में से घटा के देना होगा अगर 180 डिग्री से हमारा ज़्यादा आंसर आता है, क्योंकि ये हमारा दोनों सुइयों के बीच जो अंत्य कोण है वो पूछा गया है। अगर वो बाह्य कोण की या वृहत्तम कोण की बात कर देता है तो हमारा आंसर रहेगा 190 डिग्री, अगर हमसे वो यहाँ पर वृहत्तम कोण पूछ लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा कि 10, यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो, समय पता लग गया हमें क्या है कि 10 बजे हुए हैं, मैंने लगा दिया 10:00, ठीक है। तो हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया कोण निकालने के लिए, 13 × h अंतर 11/2 इंटू मिनट। तो देखो, h की वैल्यू यहाँ पर हो गई हमारी 10, और 11/2 मिनट की वैल्यू हो गई 0.0। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गई, ये देखो, ये 13 है भाई, ये क्या है, 13 है। तो यहाँ से मिल गया मुझे 300 डिग्री, क्योंकि ये तो सारा क्या हो गया, 0 हो गया, या फिर कितना आ गए, ये 300 डिग्री हो गया। देखो, मैंने बताया था अगर आपका आंसर जो होगा आपका ये अंत्य कोण या इनके दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो आप आंसर कैसे दोगे, 360 में से घटा कर दोगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा उनके बीच का कोण वो होगा 360 − 300 डिग्री, तो कितना आ गया आपका, 60 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक पर, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये आया 10:20 पर घंटे में मिनट की सुई के बीच बना कोण ज्ञात कीजिए। हमने अपना टाइम देख लिया कितना दिया हुआ है, 10:20। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कोण निकालने वाला। ये है आपका 13 h अंतर 11/2 इंटू मिनट। तो देखो, घंटे की वैल्यू आ गई आपकी, ये 10 हो गई, ये 11/2 इंटू मिनट, ये हो गया कितना आपका, 300 माइनस या अंतर कर लेते हैं 110, तो ये आ गया आपका 190 डिग्री,
ठीक है, ये आपका 180 से ज़्यादा आया है, तो आपको क्या करना था, आंसर 360 में से माइनस करके देना था, तो कितना आ गया, 360 माइनस 190, क्योंकि आपका आंसर आया था 190, तो यहाँ आ गया आपका 170 डिग्री। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका पहले, मैं अभी इसे अभी मैंने इसे कराया क्वेश्चन को। चलिए ये क्वेश्चन हो रहा है आपका, ये आया कि यदि घड़ी में 11:20 हो रखे हैं, तो ये भी आपका सेम पैटर्न पर इसी पर आधारित है, 11:20। कोण निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला आपका आ गया 13h अंतर 11/2 मिनट। देखो क्या किया, 30 h की वैल्यू आपकी 11 हो गई, अंतर किया 11/2 × 20, कितना आ गया 330, अंतर कितना आ गया भाई, ये हो गया 10, कितना आ गया 110, कितना आ गया यहाँ से 220 डिग्री। ये 220 डिग्री आ गया, ये फिर क्या है, 180 से ज़्यादा है, हमें बीच का कोण निकालना था, इसलिए हमने क्या किया, जो हमारा आंसर होगा वो होगा 360 माइनस 220, ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 140 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसमें सेकंड टाइप आ जाता है हमारा कि घंटे व मिनट वाली सुई कब एक दूसरे से 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, मैं भी थोड़ा सा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट के लिए सॉरी। हमारा चल रहा था इसका सेकंड टाइप, घंटे व मिनट वाली सुई कब एक दूसरे से 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री का कोण बनाएगी। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम, जब घंटे व मिनट वाली सुई एक दूसरे से 0 डिग्री का कोण बनाएगी, या इसको बोलते हैं संपाती, या संपाती होगी, या एक दूसरे से संपाती होगी, इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, वो आपको क्या करना है, ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट है कि 0 डिग्री का कोण एक घंटे में एक बार बनता है। ठीक है, कि जो 0 डिग्री का कोण होगा वो आपका एक घंटे में एक बार बनता है। देखो एक चीज हो रहा है कि परंतु 12 बजे से 1 बजे के बीच नहीं बनेगा या नहीं बनता है। जो आपका 0 डिग्री का कोण है वो 12 से 1 के बीच नहीं बनेगा, तो इस हिसाब से 12 घंटों में जो 0 डिग्री का कोण होगा 11 बार बनेगा। कितने बार बनेगा, 11 बार बनेगा। जो 12 घंटों में 0 डिग्री का कोण आपका 11 बार बनेगा, तो 24 घंटों में 0 डिग्री का कोण 22 बार बनेगा। ठीक है, ये इसके कुछ पॉइंट हैं कि घंटे में मिनट वाली सुई एक दूसरे से 0 डिग्री का कोण बनाएगी या संपाती होगी, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके लिए पॉइंट है कि 0 डिग्री का कोण जो होगा आपका एक घंटे में एक बार बनेगा, परंतु 12 से 1 के बीच वो नहीं बनेगा। ठीक है, और 12 घंटों में 0 डिग्री का कोण 11 बार बनेगा, क्योंकि 12 से 1 के बीच नहीं बनना है। ठीक है, तो 24 घंटों में कितना बन गया आपका, ये 22 बार बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जैसे इसने पहला क्वेश्चन दिया हमें कि 10 से 2 बजे के बीच दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। देखो सबसे पहले 10 बजे से 2 बजे तक देखते हैं कितने घंटे आपके बैठ रहे हैं। ठीक है, 10 बजे से 2 बजे तक, तो 10 से 2 बजे तक आपके बैठते हैं 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे मतलब एक, जब पता है कि एक घंटे में कौन एक बार बनना है, लेकिन इसके बीच में टाइम आया होगा 12 से 1 का,
तो 12 से 1 के बीच तो 0 डिग्री का कोण नहीं बनता, तो 10 से 2 बजे के बीच आपका जो 0 डिग्री का कोण होगा वो 4 माइनस 1 कितना, ये आपका 3 बार बनेगा। तो 10 से 2 बजे के बीच आपका जो होगा 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 3 बार बनेगा। या 10 से 2 बजे के बीच दोनों सुइयां 3 बार संपाती होगी, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, ये कह रहा है कि 9 से 10 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी या संपाती होगी। ठीक है, देखो इसने पूछा 9 से 10 बजे के बीच, ठीक है, 9 से 10 बजे के बीच। देखो 9 से 10 बजे के बीच कब होगी, जब दोनों सुइयां कहाँ पर होगी, 9 और 9 पर होगी, दोनों सुइयां 9 पर होगी, तभी तो उनके बीच में क्या होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है, तो हमने 9 से 5 से गुणा की, ये आप ऐसे लिखो 9 बजकर 9 पंजे 45। आपको एक काम और कर देना, साथ में 45/11 ये अपनी तरफ से बस ऐड कर देना है। देखो अब ये टाइम हो गया आपका 9:45, इसको मैं 45 को 11 से भाग देता हूँ तो कितना जाता है, ये आ जाएगा 4/1/11, क्योंकि जब 45 को आप 11 से भाग करोगे तो 11 चौक 44 ये बचता है, इसको आप लिखोगे 4/1/11। देखो ये 4 और ये 45 ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो गया आपका 9:49/1/11। तो हमारा जो आंसर होगा 9 से 10 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी या संपाती होगी, तो ये आपका आंसर है 9:49/1/11 पर, इतने मिनट पर आपकी दोनों सुइयां क्या होगी, संपाती होगी या 0 डिग्री का कोण बना रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे से 0 डिग्री का कोण बनाएगी। देखो भाई 7 से 8 बजे के बीच की बात की है, तो भाई 7 बजे तो तभी होगी, क्योंकि 7 से 8 बजने का मतलब है कि वो बस 7, 7:30, 7:45, 8 तक पहुंची होगी, तो जब दोनों सुइयां 7 पर होगी तभी तो उनके बीच 0 डिग्री का कोण बना होगा। ये हमने बताया इसको 5 से गुना कर देना, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में आपका 5 मिनट का अंतराल होता है, यहाँ पर हो गया 7:45 प्लस मैंने एक चीज़ बताई थी, जो ही आपका बनना है इसके बटे 11 करके आपको उसमें जोड़ देना है, तो यहाँ से आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 35+, ये आ गया हमारा। देखो यहाँ से कितना बैठ जाएगा, ये बैठेगा अगर 35 को आप 11 से भाग देते तो 11 3 33 2, ये आ गया 3/2/11। अब ये क्या करो उसमें ऐड कर दो, ये आ गया 7:38/2/11 पर। ठीक है दोस्तों, आज की हम क्लास अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं, कल जो इसका नेक्स्ट टाइप है उसके साथ मिलते हैं कि दोनों सुइयां कब एक दूसरे से समकोण या 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।